जहां घोर सुहानी देखी। चलिए भाई आ जाइए वापस बैक टू द वर्क पार्टी, आ जाइए जी, पानी देना बेटा। चलिए बैक टू द वर्क गाइस, बैक टू द वर्क गाइस, बैक टू द वर्क बेबीज, आ जाइए जी सभी लोग, नमस्ते सत श्री अकाल, आ जाइए। चलिए आ जाओ, चलिए आ जाइए, चलिए भाई ब्रदर फ्रॉम अनादर मदर, आ जाइए जी सभी लोग का स्वागत है, आ जाओ भाई। सो कैसे हो आप लोग, नमस्ते सत श्री अकाल। हर्जिये दीवाने की जहां घोर सुहानी देखी। चलो आ जाओ, फिक्र में शामिल तेरा प्यार है, जब याद करेगा जमाना, माटी पे मर मिट जाना। चलिए भाई आ जाइए सभी लोग जल्दी से, कम ऑन गाइस, लेट्स गो एवरीवन। बिल्कुल 100% मोर देन सफिशिएंट प्रियांशी जी। चलिए भाई लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। जय हिंद जय भारत। सर ब्लेस बाय माँ दुर्गा की मैं आपकी क्लास लाइव कर पा रही हूँ। अरे बस हमारा सौभाग्य है जी आप लोग हमारे साथ जुड़ पाए हो। चलिए आ जाओ भाई, मूविंग ऑन। आर्बिट्रेशन बट्टर मेरे, आर्बिट्रेशन क्या क्या करना है हमको? आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन के बाद कंसीलेशन, ठीक है। जनरली जो हमारे ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं उनको मीडिएशन नहीं है ना, सिर्फ आर्बिट्रेशन और कंसीलेशन ही है ना। सो वो करेंगे, मीडिएशन हम लास्ट में रखेंगे सबसे। सो मीडिएशन में अलग से करवा दूंगा न्यू वालों को, बट आर्बिट्रेशन जितना कराऊंगा वो पूरा आपको अच्छे से करना है। चलिए जी भारत माता की जय बोल के शुरू करते हैं। जय हिंद जय भारत, आ जाओ भाई लेट्स गो, आ जाओ मेरे बेटो। चलिए जी शुरू कर रहे हैं आर्बिट्रेशन मीडिएशन एंड कंसीलेशन। जो ओल्ड सिलेबस था उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या था? आर्बिट्रेशन एंड कंसीलेशन। मीडिएशन था क्या? मीडिएशन नहीं था। तो हम लोग मीडिएशन सबसे लास्ट में करने वाले हैं। जो मीडिएशन होगा हम लोग उसको सबसे लास्ट में करेंगे, रीजन बिंग कि आप लोग को कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, जो ओल्ड वाले हैं खासकर। एंड मीडिएशन हम सबसे लास्ट में करेंगे, वो भी अलग से मैं करवाऊंगा, ताकि सिर्फ वो न्यू वालों का हो, ओल्ड वालों को ना हो, ठीक है जी। मूविंग ऑन, आ जाइए शुरू कर रहे हैं। जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय, आ जाओ भाई साहब सभी लोग। चैप्टर नंबर है 11 न्यू सिलेबस के हिसाब से ये चैप्टर है, ठीक है। तो ओल्ड वालों हो सकता है आपका चैप्टर थोड़ा कुछ अलग हो, सो न्यू वालों के हिसाब से चैप्टर है। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 13 है ओल्ड वालों को क्या? ओके सो न्यू वालों को कौन सा है? 11। आ जाइए सभी लोग, चैप्टर नंबर 11 न्यू और 13 ओल्ड। चलिए जी शुरू करेंगे। जय हिंद जय भारत, आ जाओ जी सभी लोग। आर्बिट्रेशन में जितना बोले उतना, मतलब कि जितना भी इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा हम करते हुए चलेंगे साथ साथ, आ जाइए जी लेट्स गो। आर्बिट्रेशन एंड कंसीलेशन एक्ट है ये, आप जानते हैं कब आया था ये एक्ट? आर्बिट्रेशन एंड कंसीलेशन एक्ट 1996, बोली कब आया था बेटा? 1996। तो एक एक्ट आया था आर्बिट्रेशन एंड कंसीलेशन एक्ट, कब आया था बच्चों? 1996। ये लॉ किस पे बेस्ड है? यूनिट्रिल पे बेस्ड है। व्हाट यू मीन बाय यूनिट्रिल? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, इस पे बेस्ड है। मेरे को एक बात बताओ, डिस्प्यूट होता है तो आपके पास क्या ऑप्शन है डिस्प्यूट को सॉल्व करने के? अगर दो पार्टीज में डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट को सॉल्व करने के क्या वेज है हमारे पास?
तो पहला तरीका कौन सा है, या तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, बट कोर्ट के पास ऑलरेडी इतने मैटर है, पैसा टाइम ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इतनी इफेक्टिवनेस कई बार हो सकता है जो आपको एडीआर में मिल जाए वो कोर्ट में ना मिले। एडीआर बोले तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। व्हाट डू मीन बाय अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन? यही सब, ये आर्बिट्रेशन, कंसीलेशन, मीडिएशन, ये सब क्या है? एडीआर है। एडीआर बोले तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। आजकल इसका बहुत ज्यादा चलन है। सबसे खुशी की बात है हमारे लिए कि है ना, कंपनी सेक्रेटरी भी आर्बिट्रेटर। यस, 10 साल की प्रैक्टिस के बाद में वी कैन ऑल्सो बी अ आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेटर बन सकते हैं हम लोग। तो बहुत ही एक बड़ी बात है, किसी एक्ट में हमारा नाम लेके आना बहुत बड़ी बात है और बहुत ही जबरदस्त काम हुआ था। एंड यस, सीएस कैन बी अ आर्बिट्रेटर ऑब्वियसली। तो भैया ध्यान देना, ये जो इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी आए थे 2015 में आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट में, वो अमेंडमेंट के साथ ही ऑब्वियसली हम कवर करते हुए चलेंगे इसको। एंड आर्बिट्रेशन में सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, एंड मजा आएगा आपको। बहुत ही ईजी चैप्टर है, आसान है और कोई ज्यादा तकलीफ वाली बात आती नहीं है इसमें, फ्रेंकली स्पीकिंग इजिली हो जाता है ये चैप्टर। एंड यू विल गेट टू नो मेनी 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 थिंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर। चलिए जी, ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आर्बिट्रेशन के टाइप्स। बोलो क्या देख लेते हैं बच्चा? आर्बिट्रेशन के टाइप्स, चार प्रकार के आर्बिट्रेशन होते हैं। ये ओल्ड वालों आप लोग के लिए भी सुनना जरूरी है, ऑल दो ये अलग से नहीं दिया हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं चारों ही आपको बताए गए हैं। ओल्ड वालों को अलग से नहीं दिया हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं चारों ही बताए गए हैं। देखते हैं, चार प्रकार के आर्बिट्रेशन होते हैं। बोलो कितने प्रकार के आर्बिट्रेशन होते हैं? चार। पहला होता है अडॉक आर्बिट्रेशन। अडॉक मतलब जब आर्बिट्रेटर हम डिसाइड करेंगे कितने होंगे, उनका सिलेक्शन कैसे होगा पार्टीज डिसाइड करेगी, किस मैनर में आर्बिट्रेशन होगा पार्टीज डिसाइड करेगी। जब सब कुछ पार्टीज डिसाइड करेगी तो उसे कौन सा आर्बिट्रेशन कहते हैं? अडॉक। Everything will be decided by the parties. There is no any formal organization who is deciding it. Everything will be decided by the parties. How many arbitrator will be there? How they will be selected? In which mode their arbitration will be done? When everything will be decided by the parties, that is known as which arbitration? Ad hoc. मान लीजिए मेरे और अब्बर सर के बीच में dispute हो गया और हम लोग को बहुत dispute था किसी चीज को लेके, contract को लेके, हम गए, हमने आपस में decide किया, we will appoint Ashish sir as arbitrator. We have made an arbitration agreement. We have appointed Ashish sir as an arbitrator. We have decided the rules and regulation, the mode of selection, everything. And arbitration is done in the manner we require. है ना? उसी manner में arbitration हुआ जिस manner में हम चाहते थे. This is which arbitration? Ad hoc. In ad hoc arbitration, everything is decided by the party itself. There is no need to go to any official organization, any formal organization. Each and everything will be decided by the party. Such arbitration is known as what? अडहॉक आर्बिट्रेशन। बोलिए ऐसे आर्बिट्रेशन को क्या बोलते हैं बच्चा? अडहॉक आर्बिट्रेशन। फिर से बोलो, ऐसे आर्बिट्रेशन को क्या बोलते हैं? कंपनी के भी डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में आते हैं ना? बिल्कुल आते हैं। बहुत सारी कंपनीज आपस में ऐसी अग्रीमेंट करती है, क्या अग्रीमेंट करती है कि हमारे डिस्प्यूट हम कहां लेके जाएंगे? पार्टीज आपस में डिसाइड करती है कि हमारे डिस्प्यूट हम कहां लेके जाएंगे? अरे बोल दो बेटा, कहां लेके जाएंगे? आर्बिट्रेशन में। तो ऑब्वियस सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है कि यस, जितनी पार्टीज हैं उनके डिस्प्यूट भी ऑब्वियसली बात है कि चाहे वो कंपनी हो, एलएलपी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कुछ भी हो, वो तो कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी हो सकता है। मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, एक मिनट रुकना। हां जी, कहां थे हम? ओ देश मेरे तेरी शान बिसद के। चलिए हाँ जी, आ जाओ। सब कुछ कोई भी हो सकता है, आपको कंपनी भी जा सकती है। नेक्स्ट है डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। क्या होता है? व्हाट इज डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन? जब दोनों पार्टीज इंडिया की हो तो वो कौन सा आर्बिट्रेशन हुआ? डोमेस्टिक। लॉ भी कौन सा लगेगा? लॉ भी कौन सा लगेगा? इंडिया का। तो ऐसे आर्बिट्रेशन को क्या कहते हैं? डोमेस्टिक। वंडरफुल। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कौन सा होता है? जिसमें कम से कम एक पार्टी कहां की हो। ऑब्वियसली बात है कि एक पार्टी दोनों में से कहां की है, या तो कोई इंसान है जो दूसरे देश का है, या तो कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जो कहीं और इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के बाहर, या तो कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है जो इंडिया के बाहर काम कर रहा है, इंडिया के बाहर मैनेज कंट्रोल हो रहा है, या फिर फॉरेन की ही सरकार है कोई। तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में एटलीस्ट एक पार्टी बाहर की होगी, चाहे इंसान होगा, चाहे बॉडी कॉर्पोरेट होगी, चाहे एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होंगे, या तो फॉरेन की गवर्नमेंट होगी, चारों में से कोई ना कोई एक होगा। बोलो जल्दी से बताओ, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में कौन होगा बाहर का? या तो कौन होगा? या तो इंडिविजुअल होगा, या तो
बॉडी कॉर्पोरेट होगी या तो एसोसिएशन ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होंगे या तो गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। बोलिए हाँ या ना। अच्छा इजी इजी पीजी आर्बिट्रेशन के टाइप, जब पार्टीज ही सारी प्रोसेस डिसाइड करे तो उसे क्या कहते हैं? अडॉग। जब दोनों पार्टीज इंडिया की हो तो डोमेस्टिक, एटलीस्ट एक पार्टी फॉरेन की हो तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। कौन सा आर्बिट्रेशन कहते हैं बच्चा? इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। एटलीस्ट कितनी पार्टी बाहर की है? एटलीस्ट एक पार्टी भी बाहर के तो उस आर्बिट्रेशन को हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। बोले क्या कहते हैं बेटो? इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। सेक्सी। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन दोस्तों? इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन क्या होता है? जब आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट ना कर पाओ तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ना कुछ आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या डेजिग्नेट किए हुए हैं? आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। मतलब मान लो मुझे आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पा रहा मैं, तो मैं किसके पास जाऊंगा? आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के पास। आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को क्या बोलूंगा कि यही आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, मैं आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पा रहा, कृपया करके आप मुझे अपॉइंट करके दे दोगे क्या एक? तो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन मुझे आर्बिट्रेटर देगा। सो जब आप खुद से आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पाते तो आप किसके पास जाते हो? आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। फिर वो आपके लिए पूरी आर्बिट्रेशन की प्रोसेस अरेंज करके देता है और ऐसे आर्बिट्रेशन को व्हाट वी कॉल इट एज इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। तो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन में मामला किसके पास जाता है? आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन। बोलो किसके पास जाता है बेटो? आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन। ऑल्दो ये ओल्ड वालों को अलग से नहीं दिया हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं क्या ये चारों ही है सिलेबस में? ये चारों ही है, अलग से नहीं दिया ओल्ड सिलेबस वालों को इसके टाइप्स, लेकिन कहीं ना कहीं चारों ही आते हैं वो, तो इसलिए मैंने साथ में ही कराया। सो बोलो अडॉक मतलब क्या? जिसमें सारी प्रोसेस कौन डिसाइड करती है? पार्टीज। डोमेस्टिक मतलब दोनों पार्टीज इंडिया की है, लॉ भी कौन सा लगता है? इंडिया का। इंटरनेशनल में एटलीस्ट एक पार्टी का की है? फॉरेन की। कौन? या तो इंडिविजुअल, या तो बॉडी कॉर्पोरेट, या तो 80% बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, या तो गवर्नमेंट। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन में, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर कौन अपॉइंट करके देती है? वेरी गुड, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। वेरी गुड, वंडरफुल पीपल, लव यू, ऑसम। सर थोड़ा सा स्लो। अरे क्या, कुछ भी नहीं, क्या बात कर रहे हो? आसान तो है, इजी तो है यार, कि कुछ भी नहीं था इसमें तो। आर्बिट्रल की टाइप्स, आर्बिट्रेशन के टाइप्स, क्या स्लो इसमें? आसान है यार, पार्टीज डिसाइड करे सब प्रोसेस तो एडहॉक, दोनों पार्टी इंडिया की हो डोमेस्टिक, एक पार्टी विदेश की हो इंटरनेशनल। जब आप की आर्बिट्रेशन प्रोसेस सब कौन सॉल्व करके देगी? आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। तो वो कौन सा हो गया? इंस्टीट्यूशनल, एज सिंपल एज दैट। मूविंग ऑन गाइस, ध्यान देना, आ जाओ नेक्स्ट है मेरे भाई, ध्यान देना। आई जी, यस दिव्या जी, ऑब्वियसली पार्टीज के अग्रीमेंट के हिसाब से। सर आर्बिट्रेशन से खुश नहीं है तो हाईकोर्ट जा सकते हैं? मेरे बाबू तुम तो ए पढ़ रहे हो, अभी जेड पे पहुंच गए हो, आता है वो भी। कब आर्बिट्रेटर का ऑर्डर सेट असाइड हो सकता है? कोर्ट जा सकते हैं बट वो आगे आएगा, ठीक है? सो अभी है, आया वो आगे आएगा, सब्र करो थोड़ा सा। चलो सबसे पहले ध्यान देना मेरे बेटो, कुछ चीजें हैं आर्बिट्रेशन में जो असेंशियल है, पता होनी चाहिए आपको। कुछ चीजें हैं जो आर्बिट्रेशन से रिलेटेड है, पता होनी चाहिए। आ जाइए देख लेते हैं फटाक से, जल्दी से, आसानी से। आर्बिट्रेटर की सीट क्या होगी तो पार्टीज डिसाइड कर सकती है। वेन्यू क्या होगा, सीट क्या होगी, पार्टीज क्या फ्री है डिसाइड करने के लिए? यस अगर आप खुद अपॉइंट नहीं कर पा रहे आर्बिट्रेटर तो किसके पास जाओगे? आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। बोलो किसके पास जाओगे? आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के पास जाओगे। कब जाओगे आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के पास? जब आप क्या नहीं डिसाइड कर पा रहे। अरे बोलो क्या डिसाइड नहीं कर पा रहे? वेरी गुड, तो जब आप खुद आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पा रहे तो आप जाओगे। लॉ क्या होगा? पार्टीज डिसाइड करेगी। लॉ मतलब कि हमारे आर्बिट्रेटर को क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लगेंगे, ये कौन डिसाइड करेगी? पार्टीज। पार्टीज डिसाइड करेगी। सर क्या बात कर रहे हो आप, लॉ तो सरकार डिसाइड करती है। बेटा आर्बिट्रेशन में तो सब हम ही कर रहे हैं, तो हमारे आर्बिट्रेशन को कानून कौन से लगेंगे ये भी हम डिसाइड करेंगे, है ना? तो पार्टीज डिसाइड करेगी। लैंग्वेज पार्टीज डिसाइड करेगी। कितने आर्बिट्रेटर होंगे ये भी पार्टीज डिसाइड करेगी आगे। लेकिन इवन नंबर में चलते हैं क्या? नहीं, इवन नहीं होने चाहिए आर्बिट्रेटर, हमेशा कैसे रखते हैं? ऑड, एक, तीन, पांच, सात, नौ, सो ऑन। ओके, ऑब्वियसली आर्बिट्रेटर बताएगा आपको कॉस्ट, कॉस्ट मतलब पैसा कितना देना है। तीन चीजें बताएगा, कितना पैसा देना है, किस कौन किसको देगा, कितना देगा, कब देगा। आर्बिट्रेटर तीन चीज बताएगा, कौन किसको देगा,
कितना देगा कब देगा, कौन किसको देगा, कितना देगा कब देगा, बोलो। तो आर्बिट्रेटर तीन चीज बताएगा, कौन कौन सी, कौन किसको देगा, कितना देगा, कब देगा। तो भैया याद रखना, पार्टीज डिसाइड कर सकती है आर्बिट्रेटर की सीट, ठीक है, कि वेन्यू कहां पे आर्बिट्रेशन होगा, ठीक है। उसके बाद में अब हम आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के पास जा सकते हैं, हमारी मर्जी है, फिर वहां के रूल्स लगेंगे। लॉज हम डिसाइड कर सकते हैं, अदरवाइज हम इंस्टीट्यूशन के पास नहीं गए तो। लैंग्वेज हम डिसाइड करेंगे, कितने आर्बिट्रेटर होंगे हम डिसाइड करेंगे, लेकिन कैसे होने चाहिए आर्बिट्रेटर, हमेशा आवाज नहीं, हमेशा कैसे होने चाहिए बेटा, याद रखना, हमेशा आर्बिट्रेटर कैसे होने चाहिए बट्टो, ऑड नंबर ही होने चाहिए। इवन चलेंगे क्या, याद रखना, इवन चलने वाले बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, इवन चलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। बोलो यस और नो। चलो वंडरफुल। सर सीट और वेन्यू में क्या डिसाइड है, सीट मतलब से कंट्री, वेन्यू मतलब और स्पेसिफिक। सीट मतलब क्या हो गया, सीट मतलब हो गया जैसे पुणे, पुणे सीट है आर्बिट्रेशन की, और वेन्यू मतलब पुणे में कहां पे आर्बिट्रेशन होगा, किस लोकेशन में, तो वो वेन्यू हो गया, ठीक है। आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के पास हम जा सकते हैं अगर हम चाहें तो, लॉ हम डिसाइड करेंगे, ठीक है, हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि हम कौन से लॉ से रेगुलेट होंगे। लैंग्वेज हम डिसाइड कर सकते हैं, आर्बिट्रेटर हमारे जितने भी होंगे, बस आपको मैंने बताया कौन से नहीं चलेंगे, इवन नहीं चलेंगे, ऑड ही होने चाहिए, ठीक है। और कॉस्ट आर्बिट्रेटर बताएगा, कौन किसको देगा, कितना देगा, कब देगा। चलो बढ़िया, आर्बिट्रेशन पे अब फाइनली आते हैं, लेट्स गो। ओल्ड वाले बोलेंगे सर आर्बिट्रेशन पे आओ ना यार, ये सब तो हमें है नहीं। बाबू ये सब है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सभी है, इनडायरेक्टली पढ़ना पूरा ही है, अलग से नहीं दिया हुआ है, कहीं ना कहीं इन बिटवीन ये सारी बातें डाली थी ओल्ड में भी, ठीक है, अलग से स्पेसिफिकली नहीं था। चलो मूविंग ऑन आ जाइए, आर्बिट्रेशन शुरू करते हैं हम फाइनली। नाउ व्हाट इज आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेटर होता कौन है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हु इज आर्बिट्रेटर। तो आर्बिट्रेटर इज अ पर्सन हु डिसाइड द डिस्प्यूट्स अमॉन्ग द पार्टीज, ठीक है, हु इज अपॉइंटेड टू डिटरमाइन द डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज। सो वन आर्बिट्रेटर इज अपॉइंटेड, व्हाई इज अपॉइंटेड टू डिटरमाइन द, टू डिटरमाइन व्हाट बेटा, व्हाई आर्बिट्रेटर इज अपॉइंटेड टू डिटरमाइन द डिफरेंसेस और disputes, he is a person, he determine the differences or the disputes, he is appointed by two or more parties by their mutual consent। मेरे को एक बात बताना, मेरे और आपके बीच में dispute हो गया, अब मैं चाहता हूं arbitrator में जाए हमारा मामला, आप चाहते court जाए, तो क्या arbitration में जा सकता है, नहीं। arbitration में मामला सिर्फ तभी जा सकता है जब दोनों parties की मर्जी हो, अगर एक पार्टी की मर्जी हो तो हमारा मामला आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकता। बोलो आर्बिट्रेशन में कब जा सकता है मामला, जब दोनों पार्टी की मर्जी हो। आर्बिट्रेटर कैसा व्यक्ति होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, कैसा होना चाहिए, इम्पार्शियल एंड डिसइंटरेस्टेड। बोलो कैसा होना चाहिए बेटा, इम्पार्शियल एंड डिसइंटरेस्टेड। क्या पार्टीज मिलकर अपॉइंट करती है आर्बिट्रेटर को, यस। क्या कई बार कोर्ट भी अपॉइंट करके देता है, यस। आर्बिट्रेटर अकेला भी हो सकता है या बहुत सारे आर्बिट्रेटर भी मिलके एक पैनल बना सकते हैं, जिसे हम कहते हैं आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन एक प्रॉपर बहुत सारे लोग मिलके भी बना सकते हैं, क्या आंसर इज यस, मतलब बहुत सारे आर्बिट्रेटर भी हो सकते हैं, एक, तीन, पांच, सात एंड सो ऑन। सो भैया याद रखना, आर्बिट्रेटर है कौन, बताइए आर्बिट्रेटर कौन है, ही इज अपॉइंटेड, व्हाई इज अपॉइंटेड, टू डिटरमाइन द डिफरेंसेस और द डिस्प्यूट्स। अच्छा कितने लोग अपॉइंट करते हैं इसको, दो या दो से ज्यादा, बोलो कितने लोग अपॉइंट करते हैं बेटा, दो या दो से ज्यादा। कैसा होना चाहिए बंदा, इम्पार्शियल। कैसा होना चाहिए, डिसइंटरेस्टेड। कई बार क्या पार्टी खुद अपॉइंट करती है, यस yes। और कई बार कौन अपॉइंट करके देता है, कोर्ट। आर्बिट्रेटर क्या अकेला भी हो सकता है, यस yes। या तो इसकी क्या हो सकती है, पूरी पैनल। बोलो या तो कैसा हो सकता है बंदा, अकेला, या तो क्या हो सकती है इसकी पूरी पैनल। चलो क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर देना, आर्बिट्रेटर जुडिशियल ट्रिब्यूनल में आएगा कि एक्स्ट्रा जुडिशियल ट्रिब्यूनल में आएगा। सो आर्बिट्रेटर इज अ एक्स्ट्रा जुडिशियल ट्रिब्यूनल हुज डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन पार्टीज। आर्बिट्रेटर इज अ एक्स्ट्रा जुडिशियल ट्रिब्यूनल हुज डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। फिर से बोलो, आर्बिट्रेटर कौन है, इज अ एक्स्ट्रा जुडिशियल ट्रिब्यूनल हुज डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। फिर से बोलो, आर्बिट्रेटर कौन है बेटा, एक्स्ट्रा जुडिशियल ट्रिब्यूनल हुज डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, है ना जी, याद रहेगा बच्चों, वेरी गुड, ऑसम गाइस, बहुत बढ़िया। सो आर्बिट्रेटर के लिए कुछ पॉइंट्स, चलो जल्दी से अभी तक जो पढ़ा फटाक से रिवाइज करेंगे। चार प्रकार के आर्बिट्रेशन होते हैं, बोलो कौन कौन से, एडहॉक,
डोमेस्टिक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल. जब पार्टीज ही सब कुछ डिसाइड करती है तो अडॉक. दोनों पार्टीज इंडिया की, इंडियन लॉ लगेगा डोमेस्टिक. एटलीस्ट एक पार्टी फॉरेन की है, या तो इंडिविजुअल, या तो क्वाडी कॉर्पोरेट, या तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या फॉरेन गवर्नमेंट, तो इंटरनेशनल. व्हेन यू विल गो टू आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन एंड आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन विल कैरी ऑन द प्रोसेस, इट्स अ इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन में क्या क्या डिसाइड करते हैं बताओ, सीट, वेन्यू. या तो आप आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं तो उनके रूल लगेंगे. लॉ पार्टीज डिसाइड करती है, लैंग्वेज पार्टीज कुछ भी डिसाइड कर सकती है. आर्बिट्रेटर कितने नंबर के होते हैं, ऑड, कितने भी चलेंगे बस ऑड. कॉस्ट डिसाइड कौन करेगा, आर्बिट्रेटर. कौन किसको देगा, कितना देगा, कब देगा. ऑसम. आर्बिट्रेटर कैसा होता है बंदा, जल्दी से बताओ. ये बंदा कैसा होना चाहिए, इम्पार्शियल. बोलो कैसा बंदा होना चाहिए, इम्पार्शियल. सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्या करता है, डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स को डिटरमाइन करता है बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज अपॉइंट होता है. ठीक है, जनरली क्या पार्टीज खुद से आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकती है, यस. कई बार कोर्ट अपॉइंट करके देता है, यस. आर्बिट्रेटर क्या अकेला हो सकता है, यस. या इसकी क्या हो सकती है, प्रॉपर पैनल. या अकेला भी हो सकता है, या तो इसकी क्या हो सकती है बच्चों, पैनल हो सकती है. वंडरफुल पीपल, ऑसम गाइस, छा गए तो सी गजब, ऑसम. चलिए, वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया. सबसे इंपॉर्टेंट आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार, बिलीव मी और नॉट, बहुत बार एग्जाम में हुआ है. क्या, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. मेनी 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 टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड, मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन एग्जाम अबाउट आर्बिट्रेशन. किसके बारे में पूछा गया बेटा, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के बारे में बहुत बार पूछा गया. ध्यान से सुनना, एक बात बताओ बेटा, आप नौकरी करने गए, आपको एम्प्लॉयर ने बोला था कि हर साल 10% का इंक्रीमेंट देगा. ठीक है, अब उसमें एक क्लॉज लिखा हुआ था, अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो हम कहां पे जाएंगे, आर्बिट्रेशन में जाएंगे. अब वो 10% इंक्रीमेंट करना था उसने, बट उसने किया नहीं, तो अब आप आर्बिट्रेशन में जाना चाहते हो, तो कैसे जाओगे, कैसे जाओगे, कैसे जाओगे बताओ आर्बिट्रेशन के पास. तो अग्रीमेंट होना जरूरी है ना, अरे बोलो अग्रीमेंट होना जरूरी है ना. सो अग्रीमेंट कैसे हो सकता है, तो ध्यान देना, अग्रीमेंट दो तरीके से हो सकता है. अग्रीमेंट जब करते हैं जनरली, तो मेन दो तरीके हैं मेन. एक तो है आप सेपरेटली क्या कर लो, सेपरेटली क्या कर लो, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट कर लो सेपरेटली कि भाई हम लोग आर्बिट्रेशन में जाएंगे, हमारा एक डिस्प्यूट हो गया, हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे. प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए हो सकता है. या तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट था, क्या था बेटा आपका कोई, ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हो कि आपका ना कोई कॉन्ट्रैक्ट था, तो अब आप क्या कर सकते हो, उसी कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज डाल सकते हो. क्या क्लॉज डाल सकते हो, कि एनी डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज विल बी रेफर टू आर्बिट्रेशन. देखो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट दो तरीके से हो सकते हैं, या तो आप सेपरेटली आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट करो, या तो आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक आर्बिट्रेशन का क्लॉज डाल दो. नहीं समझे, लाइक मैंने आपको एजेंट अपॉइंट किया, हमने किया एजेंसी अग्रीमेंट, उसमें क्लॉज डाल दिया कि एनी डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टी शैल बी रेफर टू आर्बिट्रेशन. तो ये क्या हो गया मेरे को बताओ, जल्दी से बताओ ये क्या हो गया, अरे बोलो ये क्या हो गया, क्लॉज. तो ये भी अलाउड है, यस. क्या इसके बेसिस पे भी आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, यस. अगर ऐसा कोई क्लॉज नहीं था तो क्या कर सकते हैं, सीधा क्या कर सकते हैं, सीधा कहां जा सकते हैं, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, मतलब आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बना सकते हैं. तो दो तरीके से हो सकता है काम, जब भी आपको आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बनाना है दो तरीके से हो सकता है, या तो आर्बिट्रेशन का क्लॉज डाल दो किसी भी अग्रीमेंट में, या तो प्रॉपरली अग्रीमेंट ही कर लो. दो तरीके से हो सकते हैं, बोलो दो तरीके कौन से, या तो प्रॉपर अग्रीमेंट कर लो, या तो क्या डाल दो बेटा, क्लॉज डाल दो. अरे बोलो यस और नो. अच्छा, आर्बिट्रेशन में ओरल अग्रीमेंट चलेगा कि रिटन ही होना चाहिए, तो भाई साहब याद रखना रिटन ही होना चाहिए, ओरल चलने वाला नहीं है. ठीक है, रिटन अग्रीमेंट होगा, याद रखना इस बात को, रिटन अग्रीमेंट होगा, पार्टीज जो है वो डॉक्यूमेंट को साइन करेगी, पार्टीज जो है वो डॉक्यूमेंट को साइन करेगी, पार्टीज जो है वो क्या करेगी बेटा, डॉक्यूमेंट को साइन करेगी, या तो एक्सचेंज करेगी. क्या एक्सचेंज करेगी, लेटर, या तो लेटर एक्सचेंज करेगी कि मैं भाई तुमको लेटर दे रहा हूं, या टेलेक्स टेलीग्राम दे रहा हूं कि चलो यार आर्बिट्रेशन में चलते हैं, हमारे बीच डिस्प्यूट हुआ है और आप भी मुझे लेटर दे रहे हो. तो या तो हमारे बीच में लेटर एक्सचेंज होगा, या क्लेम और डिफेंस एक्सचेंज होगा. व्हाट इज क्लेम और डिफेंस,
व्हाट इज क्लेम और डिफेंस एक्सचेंज होगा, लाइक मैं क्लेम कर रहा हूं कोई चीज, आप अपना डिफेंस कह रहे हो और उसमें हम डिसाइड कर रहे हैं कि कहां चलते हैं, आर्बिट्रेशन। बोलो कहां चलते हैं बच्चों, आर्बिट्रेशन। सो भाई साहब याद रखना, डिस्प्यूट प्रेजेंट भी हो सकता है और डिस्प्यूट फ्यूचर भी हो सकता है। तो जल्दी से सारे बच्चे बताओ, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के लिए दो तीन पॉइंट। सबसे पहला, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, एग्रीमेंट बाय पार्टीज टू सबमिट टू आर्बिट्रेशन टू ऑल और सर्टेन डिस्प्यूट। आप सारे या कुछ डिस्प्यूट्स को लेकर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट कर सकते हो। यू कैन डू अग्रीमेंट बाय टू वेज, ईदरली बाय सेपरेटली डूइंग आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट और बाय इनकॉर्पोरेटिंग अ क्लॉज इन एनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। या तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आप आर्बिट्रेशन का क्लॉज डाल दो तो भी वो एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट माना जाएगा। क्या ओरल चलेगा कि राइटिंग में ही होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए। क्या पार्टी साइन करेगी? यस। अरे पार्टी साइन करेगी क्या? याद रखना, पार्टी साइन करेगी या तो लेटर एक्सचेंज करोगे, टेलीग्राम एक्सचेंज करोगे, क्लेम डिफेंस एक्सचेंज करोगे। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अच्छा याद रखना इस बात को, फिर से बताओ, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट आ गया तो क्या लिखोगे? आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट कैन बी डन बाय टू वेज। बोलो कौन सा? नंबर वन बताओ जल्दी से, कैसे? या तो डूइंग अ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट और इनकॉर्पोरेटिंग अ आर्बिट्रेशन क्लॉज इन एनी कॉन्ट्रैक्ट। बोलो यस और नो। या तो आप सेपरेट अग्रीमेंट कर लो या तो आप क्या कर लो, क्लॉज डाल दो। दोनों ही वैलिड है? यस। राइटिंग में होना चाहिए? यस। अरे बोलो यस और नो, ठीक है, राइटिंग में होना चाहिए। पार्टी साइन करेगी? यस। या तो लेटर एक्सचेंज होंगे, टेलीग्राम टेलेक्स एक्सचेंज होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी चलेगा क्या आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट? चलता है, कोई दिक्कत नहीं। देर कैन बी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑल्सो, सो बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मीन से हुआ तो भी चलेगा। या तो क्लेम डिफेंस एक्सचेंज होगी। बोलो हाँ या ना। अरे याद रहेगा, बोलिए यस और नो, पक्की बात है, प्रॉमिस, 100% याद रहेगा। सो इसको क्या रखना है आपको, अच्छे से याद, ठीक है मेरे बेटो? बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, ऑसम, सेक्सी, एक नंबर, चलो वंडरफुल। सो जल्दी से एक बार फटाक से बता दो, ये आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट क्लियर है? डन, आगे बढ़े। चलो वंडरफुल गाइज, वंडरफुल गाइज, ऑसम गाइज, प्राउड ऑफ यू गाइज, लवली गाइज, बहुत ही बढ़िया गाइज। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं गाइज, मूविंग ऑन गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के बाद। ये आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट हो गया, अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, आ जाओ। क्या कोर्ट भी आपका मामला आर्बिट्रेशन के पास लेके जा सकती है? बताओ, क्या कोर्ट भी आपका मामला आर्बिट्रेशन के पास लेके जा सकती है? जल्दी से बताओ, क्या कोर्ट लेके जा सकती है कि नहीं लेके जा सकती है? यस, कोर्ट भी आपका मामला कहां पे भेज सकती है बेटा? आर्बिट्रेशन। याद रखना कि कोर्ट के पास भी ये पावर है कि कोर्ट आपका मामला आर्बिट्रेशन के पास भेज सकती है। इस बात को याद रखिएगा मेरे बेटो, जब भी, ध्यान देना, आप कोर्ट में पहली स्टेटमेंट फाइल करो, मतलब आपका मामला कोर्ट में गया है बट आपको लगा यार कोर्ट में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, चलो आर्बिट्रेशन में चलते हैं, तो कोर्ट को पहली स्टेटमेंट फाइल करो उसके पहले पहले। याद रखना बेटा, कोर्ट को पहली स्टेटमेंट फाइल करो उसके पहले पहले, कोर्ट को पहली स्टेटमेंट फाइल करो उसके पहले पहले। पार्टीज कोर्ट को बोल सकती है कि हम आर्बिट्रेशन करना चाहते हैं, इसके लिए आपको आर्बिट्रेशन का ओरिजिनल अग्रीमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिनल नहीं हो तो कोई फोटोकॉपी या सेकेंडरी हुआ तो भी चलेगा, अगर नहीं है ओरिजिनल तो, है ना। सो फिर आपका मामला आर्बिट्रेशन में जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि यस, ऑब्वियसली यू कैन गो टू जुडिशियल अथॉरिटी एंड यू कैन से टू द जुडिशियल अथॉरिटी दैट वी वांट आवर मैटर, वी वांट टू रेफर आवर मैटर टू आर्बिट्रेशन। यू हैव टू गिव द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, यू हैव टू गिव कॉपी ऑफ इट, एंड ऑब्वियसली कोर्ट माइट ग्रांट यू, कोर्ट माइट अलाउ यू दैट यू कैन प्रोसीड थ्रू आर्बिट्रेशन, यू कैन सॉल्व योर डिस्प्यूट थ्रू आर्बिट्रेशन। बट ये कब करना पड़ेगा, जल्दी से बताओ, ये कब करना पड़ेगा? फर्स्ट स्टेटमेंट देने के पहले। बोलो कब देना पड़ेगा बेटा? अरे बोलो कब देना पड़ेगा बच्चा? फिर से बताओ, कब देना पड़ेगा मेरे बेटो? फर्स्ट स्टेटमेंट देने के पहले। अरे बोलो यस और नो, कब देना पड़ेगा बच्चा जी? फर्स्ट स्टेटमेंट देने के पहले। तो याद रखना इस बात को मेरे भाई जी, मेरी बहन जी, सभी लोग जी, याद रखना इस बात को अच्छे से, एकदम बढ़िया, कि अगर से आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है, बढ़िया है, तो आपका मामला कहां जा सकता है? कोर्ट कहां रेफर कर सकती है आपका मामला? आर्बिट्रेशन में कोर्ट आपका मामला रेफर 110% कर सकती है। तो इस बात को रखिएगा बहुत ही अच्छे से याद। चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर देना, ठीक है, लेट्स सी कौन आंसर देगा फटाक से। एक मैंने कोर्ट को अप्लाई किया कि मेरा मामला आर्बिट्रेशन के पास लेके जाओ, बट मैंने
ओरिजिनल भी फाइल नहीं किया अग्रीमेंट की कॉपी, ना ही सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई किया, तो क्या कोर्ट मुझे अलाउ करेगी बताओ, क्या कोर्ट मुझे अलाउ करेगी जल्दी से बताओ 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 जल्दी से बताओ, क्या कोर्ट मुझे अलाउ करेगी कि नहीं अलाउ करेगी? बस क्वेश्चन समझा आपको मेरा, क्या है क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन क्या है मेरा कि मैंने कोर्ट को अप्लाई किया किस लिए, कि मुझे कहां जाना है आर्बिट्रेशन में, मुझे जाने दो, तो आपको यह बताना है कि भाई साहब मेरे को आपको यह बताना है कि मैंने कोर्ट को ना ओरिजिनल फाइल किया, ना ही मैंने सर्टिफाइड कॉपी फाइल किया अग्रीमेंट की, क्या तब भी मुझे कोर्ट अलाउ कर सकती है अग्रीमेंट आर्बिट्रेशन में जाने के लिए, क्या कोर्ट मुझे तब भी अलाउ कर सकती है? तो लॉ के हिसाब से अगर कोर्ट को यह एविडेंस मिल जाए कि आपका आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट वैलिड था, कोर्ट आपको अलाउ कर सकती है। जरूरी नहीं है कि ओरिजिनल आर्बिट्रेशन ही होना चाहिए, सर्टिफाइड कॉपी ही होनी चाहिए, अगर ओरिजिनल या सर्टिफाइड कॉपी अवेलेबल नहीं है, आप सिर्फ कोर्ट को प्रे करो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखा दो कोई कि हाँ भाई हमना हमारा अग्रीमेंट था, प्रूफ कर दो कोर्ट को कि हमारा वैलिड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट था, सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करके, अगर ये प्रूव हो जाए कि आपका आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट था, तो क्या कोर्ट आपको अलाउ कर सकती है? यस, कोर्ट आपको अलाउ तब भी कर सकती है। तो याद रखना जी, याद रखना इस बात को कि कोर्ट आपको तब भी अलाउ कर सकती है। कब अलाउ कर सकती है, कब अलाउ कर सकती है जी, कब अलाउ कर सकती है जी बताओ जी, जब आपका आपके पास क्या नहीं है, बोलो क्या नहीं है आपके पास में, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, या फिर आपके पास में सर्टिफाइड कॉपी अवेलेबल नहीं है, तो भी आपको अलाउ कर सकते हैं, बट एविडेंस होना चाहिए। किस बात का एविडेंस, अरे किस बात का एविडेंस, अरे बोलो किस बात का एविडेंस यार, अरे किस बात का एविडेंस यार, कि हमारा आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट हुआ था। अच्छा, मेरे पास कोई एविडेंस ही नहीं है कि हमारा कोई वैलिड अग्रीमेंट था, अब अलाउ करेगी नहीं, तो अग्रीमेंट वैलिड है हमारा ये दिखा दें कोर्ट को, तो हमें अलाउ किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, हम जुडिशियल अथॉरिटी को अप्लाई कर सकते हैं कि प्लीज हमें आर्बिट्रेशन में जाने दो, फर्स्ट स्टेटमेंट अप्लाई करने के पहले ओरिजिनल अग्रीमेंट या सर्टिफाइड कॉपी देंगे, बट अगर वो अवेलेबल नहीं है, देन हमको प्रूफ करके बताना पड़ेगा कैसे ना कैसे कि हमारा अग्रीमेंट था, और अगर हम एविडेंस दे देते हैं तो हमें अलाउ किया जाएगा, और हम पेंडिंग मामले पूरे आर्बिट्रेशन में लेके जा सकते हैं। सो अलाउड है वो, बोलो यस और नो बेटा जी, ठीक है जी, याद रखना, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, ऑसम। अगर वैलिड अग्रीमेंट है, इवन ओरिजिनल अवेलेबल ना हो, तो भी आपका मामला क्या जा सकता है आर्बिट्रेशन में, यस जा सकता है, याद रखिएगा, वंडरफुल, प्राउड ऑफ यू, ऑसम। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, जल्दी से यहां से देख लो एक बार, आर्बिट्रेटर कौन होता है, आर्बिट्रेटर जल्दी से बताओ कौन होता है बेटा, हु डिटरमाइन द डिस्प्यूट और द डिफरेंसेस, कितनी पार्टीज, कौन लोग अपॉइंट करते हैं, दो या दो से ज्यादा पार्टीज मिलके। आर्बिट्रेटर कैसा होना चाहिए, इम्पार्शियल और डिसइंटरेस्टेड। जनरली क्या पार्टीज मिलके अपॉइंट करती है, यस yes. क्या कई बार कोर्ट भी अपॉइंट करके दे सकता है, यस yes. क्या आर्बिट्रेटर अकेला हो सकता है, यस yes. क्या उसकी पैनल हो सकती है, यस yes. आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट दो तरीके से हो सकता है, या तो आप सेपरेटली आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट करो, या तो कोई भी अग्रीमेंट कर रहे हो उसमें क्लॉज डाल दो। क्या आप मेरे को बताओ जल्दी से, अग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए, यस yes. पार्टी साइन करेगी, यस yes. या तो लेटर एक्सचेंज होगा, टेलीग्राम एक टेलेक्स एक्सचेंज होगा, इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है, या तो क्लेम डिफेंस एक्सचेंज होगा, बोलो हाँ या ना। अच्छा, डिस्प्यूट से प्रेजेंट मामलों को लेके हो सकता है कि फ्यूचर मामलों को लेके भी आज हम अग्रीमेंट कर सकते हैं, तो आप और मैं आज भी अग्रीमेंट कर सकते हैं आर्बिट्रेशन का, कि फ्यूचर में हमारा कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, ऐसा अलाउड है, यस yes, बिल्कुल। क्या पार्टीज कोर्ट को अप्लाई कर सकती है हमारा मामला आर्बिट्रेशन में लेके जाओ, यस yes. पार्टीज किसको अप्लाई कर सकती है, बोलिए कोर्ट को। क्या बोल सकती है कि हमारा मामला कहां लेके जाओ, आर्बिट्रेशन में लेके जाओ, अगर ओरिजिनल अवेलेबल नहीं है अग्रीमेंट, कोर्ट के पास जब अप्लाई कर रहे हैं तब हमारे पास ओरिजिनल अवेलेबल नहीं है, फोटो कॉपी मतलब ये भी अवेलेबल नहीं है कोई सर्टिफाइड कॉपी, तो भी क्या कोर्ट हमें अलाउ कर सकती है, यस कोर्ट हमें तब भी अलाउ कर सकती है, बट हमें क्या देना पड़ेगा, एविडेंस, एविडेंस देने पड़ेंगे बहुत सारे कि हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बना था, हमारा ये था वो था, तो कोर्ट हमें तब भी क्या कर सकती है बेटो, अलाउ कर सकती है, याद रखिएगा इस बात को। हम प्रे करेंगे, कॉपी अप्लाई करेंगे बिना सर्टिफाइड वाली, अगर हमने सफिशियंट एविडेंस दे दिया तो भी कोर्ट हमें अलाउ करेगी कि हाँ भाई मैं आपको अलाउ करती हूं, जाओ आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहां जाओ, अरे कहां जाओ जी, आर्बिट्रेशन में जाओ, बट आपको कब अप्लाई करना है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट फाइल करने के पहले, और बस अप्लाई कर रहे हैं, दैट्स इट, इतनी सी बात याद रखना, याद रहेगा ना बेटो, हाँ या ना, चलो वंडरफुल, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक सारे कवर होंगे, सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, तो उसकी टेंशन मत लेना, टॉपिक पूरे कवर होंगे आपके, तो ये मत घबरा मत जाना कि ओए भाई साहब मोदी सर ये टॉपिक रह गया, भाई सारे टॉपिक कवर होंगे, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है जी। चलो मूविंग ऑन, भारत माता की
जय, आ जाओ मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों आ जाओ, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों आ जाओ, बहुत बढ़िया, ऑसम, सेक्सी। चलो अभी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आते हैं। किस पे आते हैं बच्चों? इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आते हैं, आ जाओ जी, वंडरफुल। आर्बिट्रेटर कितने नंबर के होने चाहिए बताइए? आर्बिट्रेटर कितने नंबर के होने चाहिए? आर्बिट्रेटर कितने नंबर के होने चाहिए? आर्बिट्रेटर कितने नंबर के होने चाहिए? तो भाई साहब कितने भी हो सकते हैं, बस इवन चलेंगे क्या? नहीं, आर्बिट्रेटर कितने भी हो सकते हैं, बट क्या नहीं होने चाहिए बोलो? इवन नहीं चलेंगे। पार्टीज कितने भी डिसाइड कर सकती है? अगर कुछ भी डिसाइड नहीं किया तो कितने होंगे? अगर कुछ भी डिसाइड नहीं किया तो कितने होंगे बच्चों? तो याद रखना, अगर कुछ भी डिसाइड नहीं किया तो कितने होंगे? एक। कुछ भी अगर डिसाइड नहीं होता तो एक होगा आपका आर्बिट्रेटर। उसकी नेशनलिटी क्या होगी? आर्बिट्रेटर किस नेशनलिटी का होगा? कोई भी नेशनलिटी का चलेगा, कोई भी नेशनलिटी का चलेगा, रशियन भी चलेगा, इंडियन भी चलेगा, पाकिस्तानी चलेगा, चीनी चलेगा, जापानी चलेगा। पार्टीज डिसाइड कर सकती है, पार्टीज ने बोला इंडियन तो इंडियन, बात खत्म। पार्टीज अपने हिसाब से प्रोसीजर भी डिसाइड कर सकती है, किस प्रोसीजर से उसका अपॉइंटमेंट होगा। प्रोसीजर भी कौन डिसाइड करेगी बोलो? पार्टीज। सबसे पहले आया नंबर आर्बिट्रेटर का, बोलो कैसे होने चाहिए आर्बिट्रेटर? और कितने भी चलेंगे? मैक्सिमम कितने नंबर हो सकते हैं? कोई डिसाइडेड नहीं है, ऐसा ऑड होने चाहिए, बस ये बोला गया है। अच्छा, आर्बिट्रेटर की नेशनलिटी क्या होगी? एनी नेशनलिटी अनलेस अग्रीड बाय द पार्टी। अच्छा, आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या होगा? पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड, बोलो पार्टीज आर, आवाज नहीं, पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड द प्रोसीजर की किस प्रोसीजर में आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा। पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड। अगर कोई प्रोसीजर डिसाइडेड नहीं है या फिर जो प्रोसीजर डिसाइड किया था वो नहीं हो पाया तो कैसे अपॉइंट करेंगे आर्बिट्रेटर को? कैसे अपॉइंट करेंगे? तो अगर एक है तो दोनों मिलके, एक है तो दोनों मिलके, दो तीन है तो दोनों पार्टी एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी और वो दो आर्बिट्रेटर मिलके तीसरा अपॉइंट करेंगे। ये कब की बात हो रही है? अगर कुछ भी डिसाइडेड नहीं किया अग्रीमेंट में तो। अच्छा, मैं एक बात बताना, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर देना। मेरे और अब्बर सर के बीच में आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट था, हमारा डिस्प्यूट हो गया। हमारे अग्रीमेंट में लिखा है कि मोदी सर दो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे और अब्बर सर तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, ऐसे तीन आर्बिट्रेटर होंगे, चलेगा? दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा अग्रीमेंट प्रिवेल करेगा। लेकिन अगर बीच में हमारे बीच में कोई अग्रीमेंट ही नहीं है तो कैसे आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा? हम दोनों मिलकर एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे और हम दोनों ने मिलकर जो दो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए वो तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा। एज सिंपल एज दैट। बोली हाँ या ना? ये कब की बात हो रही है? अरे बता भी दो मेरे मुन्ना, कब की बात हो रही है? समझ में आ रहा है ना? पक्का ना? पक्का। तो भैया अगर कुछ भी प्रोसीजर डिसाइड नहीं हुआ तो आर्बिट्रेटर अगर एक है तो दोनों मिलकर अपॉइंट करेंगे, तीन है तो, अरे बोलो तीन है तो, दोनों पार्टी एक एक आर्बिट्रेटर और वो दोनों आर्बिट्रेटर मिलकर तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। बोलो यस और नो, याद रहेगा मेरे बेटो? पक्का समझ आया अभी तक? बोलो आर्बिट्रेटर के नंबर्स बोलो जल्दी, कितने नंबर्स होंगे? ऑड। कितने भी हो सकते हैं? यस। नेशनलिटी कोई भी चलेगी। प्रोसीजर पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड एनी प्रोसीजर, ओके। इफ देयर इज नो प्रोसीजर डिसाइडेड देन इफ देयर इज वन आर्बिट्रेटर बोथ पार्टीज विल अपॉइंटेड म्यूचुअली डिसाइडिंग इट म्यूचुअली। इफ देयर आर थ्री आर्बिट्रेटर बोथ पार्टीज विल अपॉइंट वन वन आर्बिट्रेटर एंड देन टू आर्बिट्रेटर विल अपॉइंट द थर्ड आर्बिट्रेटर हु विल बी अ प्रीसीडिंग आर्बिट्रेटर। बोलो यस और नो। वंडरफुल। अच्छा ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर हमारे को हम अपॉइंट ही नहीं कर पा रहे आर्बिट्रेटर, हमें हमारे को बड़ा दिक्कत आ गई यार, मैं हमें मिल ही नहीं रहे आर्बिट्रेटर, हम अपॉइंट नहीं कर पा रहे, कहां ढूंढे, समझ ही नहीं आ रहा किसके पास जाए। बहुत आर्बिट्रेटर्स को कॉन्टेक्ट करना चाहो, कोई मिल ही नहीं रहा, तो हम क्या करें? तो हम जाएंगे आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन। बोलो कहां जाएंगे बच्चों? आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन। अगर हम 30 दिन के अंदर अपॉइंट नहीं कर पाते या जो दो आर्बिट्रेटर हमने अपॉइंट किए थे वो तीसरा आर्बिट्रेटर 30 दिन के अंदर अपॉइंट नहीं कर पाता, तो ऐसे केस में हम लोग कहां जाएंगे बच्चों? बताओ जल्दी से कहां जाएंगे बच्चों? आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन। फिर से बोलो कहां जाएंगे बच्चों? आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन। ये आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन किसने बनाए हैं?
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने डेजिग्नेट किए हैं। बोलो किसने डेजिग्नेट किए हैं? हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने डेजिग्नेट किए हैं आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस। अगर देश डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है तो हाईकोर्ट के द्वारा आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन में जाएंगे डेजिग्नेटेड, और अगर इंटरनेशनल डिस्प्यूट है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड है उसमें जाएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन? इफ बोथ पार्टीज आर ऑफ इंडिया देन इट्स अ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। इफ एटलीस्ट एक वन पार्टी इज फ्रॉम फॉरेन, इधर इंडिविजुअल, इधर बॉडी कॉर्पोरेट, इधर एसोसिएशन ऑफ पर्सन और फॉरेन गवर्नमेंट, देन इट्स अ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। तो अगर हम आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पाते 30 दिन के अंदर तो कहां जाएंगे, जल्दी से बताओ? अगर हम अपॉइंट नहीं कर पाते तो कहां जाएंगे? आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। कितने दिन में जाएंगे? 30 डेज। ये आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन किसने बनाया? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने डेजिग्नेट किए। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है तो किसके पास जाएंगे? हाई कोर्ट के द्वारा डेजिग्नेटेड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, और सुप्रीम कोर्ट के इंटरनेशनल है तो सुप्रीम कोर्ट। और सब बोलो हाँ या ना? अरे बोलो यस और नो। याद रहेगा? पक्का याद रहेगा मेरे बेटू? Awesome guys, बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है ना? पक्का ना? चलो wonderful guys, I hope you guys are having a great time. आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है, दिमाग में जा रही है, एकदम बढ़िया से, एक नंबर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। Awesome, 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 awesome. चलिए wonderful. Wonderful people, wonderful people, wonderful people. चलो बहुत बढ़िया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर हम दो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के पास चले गए तो, अगर हम दो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के पास चले गए तो किसका अपॉइंटमेंट वैलिड होगा? किसका अपॉइंटमेंट वैलिड होगा? जिसके पास फर्स्ट गए थे। जिसके पास कहां गए थे बेटा? फर्स्ट, ठीक है, जिसके पास फर्स्ट गए थे, याद रखना। अच्छा अगर हम आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं कि हमें आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके दो, तो वो कितने दिन में अपॉइंट करके देंगे? जनरली 30 डेज। बोलो कितने दिन में अपॉइंट करके देते हैं वो? 30 डेज। याद रखना बेटा, बेटा 30 डेज में वो अपॉइंट करके आपको दे देंगे, याद रखिएगा। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, ऑसम, एक नंबर बच्चों, जबरदस्त, जबरदस्त। चलो वेरी गुड, ऑसम गाइस। अच्छा ध्यान देना, जब भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा, जब भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे ये इंस्टीट्यूशन वाले, तो क्या आर्बिट्रेटर से कुछ डिस्क्लोजर लेंगे? क्या आर्बिट्रेटर से कुछ मांगेंगे? तो आंसर इज यस। आर्बिट्रेटर से मांगेंगे कि भाई तेरी क्वालिफिकेशन क्या है, भाई तू डिस्क्लोज कर, कहीं तू इम्पार्शियल, मतलब कहीं तू पार्शियल तो नहीं है। उससे उससे डिस्क्लोजर लेंगे कि तू इंडिपेंडेंट है ना, तू इम्पार्शियल है ना। तो बेटा ध्यान देना प्लीज, बट्टो ध्यान दो, जब भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा आर्बिट्रेटर से क्या लेंगे? डिस्क्लोजर। किस बात का डिस्क्लोजर? राइटिंग में। किस बात का डिस्क्लोजर? राइटिंग में लेंगे। किस बात का डिस्क्लोजर लेंगे बेटा? कि भाई तू क्वालिफाइड है ना, हमने डिसाइड किया था हमारा आर्बिट्रेटर सीएसई होना चाहिए, तू सीएस है ना, हमने डिसाइड किया था हमारा आर्बिट्रेटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तू इंडिपेंडेंट है ना। इस बात का क्या लेंगे बट्टो उससे? अरे आवाज ही नहीं, क्या लेंगे उससे? डिस्क्लोजर। बोलो क्या लेंगे बेटा? डिस्क्लोजर। किस बात का डिस्क्लोजर? कि जो हमने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया वो क्वालिफाइड है, इम्पार्शियल है, इंडिपेंडेंट है। इस बात का क्या लेंगे उससे? डिस्क्लोजर। लवली गाइस, बहुत बढ़िया गाइस, ऑसम गाइस, एक नंबर गाइस। जनरली अगर, अच्छा इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का क्या होता है, मैंने आपको पूछा है क्या होता है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, बताओ जल्दी से। जब एक पार्टी कहां की है? आउटसाइड इंडिया। वो एक पार्टी कौन हो सकती है? या तो इंडिविजुअल, या तो आवाज नहीं, या तो इंडिविजुअल, या तो बॉडी कॉर्पोरेट, या तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या तो बॉडी ऑफ इंडिया। अगर इनके बीच में डिस्प्यूट है तो कहां जाते हैं आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन? अगर इसमें भी हम 30 दिन के अंदर अपॉइंट नहीं कर पाए, कहां जाएंगे? आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। किसके द्वारा डेजिग्नेटेड? सुप्रीम कोर्ट। और फिर सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करके देगा आर्बिट्रेटर। जनरली ऐसे केस में जो आर्बिट्रेटर होगा वो उस नेशनलिटी का होगा जिस नेशन से पार्टी बिलोंग नहीं करती। लाइक डिस्प्यूट इंडिया और यूएस के सिटीजन के बीच में है, तो आर्बिट्रेटर जनरली कौन सा अपॉइंटेड होगा? यूएस और इंडिया के अलावा किसी भी कंट्री का। समझ में आई बात? जनरली यही रूल फॉलो करता है आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। सो अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन होता है तो आर्बिट्रेटर उस नेशनलिटी का होता है जिसको पार्टी बिलोंग, अरे बोलो जिसको पार्टी बिलोंग, अरे मेरे बोल भी दो भाई, जिसको पार्टी बिलोंग नहीं करती। बोलो याद रहेगा? पक्का प्रॉमिस, अच्छे से
गुड, ये एनी नेशनलिटी को कट कर देना, उस नेशनलिटी का होता है ऐसे केस में जो पार्टीज बिलोंग नहीं करती है, याद रहेगा बेटे, बोलो हाँ या ना, ठीक है। चैलेंज पे हम बाद में आएंगे, मैं बोलो यहां तक क्लियर है कि नहीं है, बोलो पहले यस और नो, एक बार यहां तक वापस से पूरा रिवाइज करो नंबर से जल्दी से, चलो फटाक से। आर्बिट्रेटर कितने नंबर के होते हैं? ऑड, इवन चलेंगे? नहीं। अगर कुछ भी डिसाइडेड नहीं है तो कितने होंगे? एक। कौन सी नेशनलिटी के होंगे? ऐसे तो कोई भी नेशनलिटी के हो सकते हैं, वो इंटरनेशनल में उस नेशनलिटी के होंगे जो पार्टीज बिलोंग नहीं करती। अच्छा ओए सुनो, अगर से प्रोसीजर है तो प्रोसीजर कौन सा होगा? पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड। अच्छा अगर पार्टीज ने कोई प्रोसीजर डिसाइड नहीं किया तो सिंगल है तो दोनों मिलकर अपॉइंट करेंगे, तीन आर्बिट्रेटर है तो दो पार्टीज मिलकर दो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे और वो दोनों आर्बिट्रेटर मिलकर तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। अगर आर्बिट्रेटर आपने 30 दिन में अपॉइंट नहीं किया, उन दोनों ने जो दो आर्बिट्रेटर थे उन्होंने तीसरा 30 दिन में अपॉइंट नहीं किया तो किसके पास जाएंगे? आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। ये किसने डेजिग्नेट किए हैं? हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और ये किसको अपॉइंट करके देंगे हमें? आर्बिट्रेशन। ये लोग क्या अपॉइंट करके देंगे बेटा हमको? आर्बिट्रेशन, 30 दिन के अंदर अपॉइंट करके देंगे। बोलो यस और नो। लवली गाइस, जल्दी से एक बात बताना प्यार मोहब्बत से एकदम अच्छे से, मेरे को बताओ दोस्तों, ये जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन बनाया है, क्या इसका ये मतलब है कि इन्होंने अपना पावर डेलीगेट किया है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन बनाया है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इन्होंने अपना जुडिशियल पावर डेलीगेट किया है। सिर्फ और सिर्फ वो अलग से बॉडीज है जो इन्होंने डेजिग्नेट करी है, अपना पावर दिया ऐसा बिल्कुल भी माना नहीं जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताना, आर्बिट्रेटर जब भी अपॉइंट होगा क्या लेंगे उससे? क्या लेंगे उससे? डिस्क्लोजर। किस बात का? कि वो इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शियल है, क्वालिफाइड है। बोलो क्या है बच्चों वो? इज इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एज वेल एज क्वालिफाइड। अच्छा इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट है तो ऐसे केसेस में आर्बिट्रेटर जनरली कौन से नेशन का होगा? वो नेशन का जो पार्टीज बिलोंग नहीं करती। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो यस और नो। अच्छा मेरे को क्वेश्चन है एग्जाम में जेन्यून, दो पार्टीज ने मिलकर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट किया, दोनों को एक आर्बिटर अपॉइंट करना था, दोनों ने डिसाइड किया, आर्बिटर अग्रीमेंट हो गया, सब हो गया, बट दोनों पार्टीज 30 दिन में आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं कर पाई, तो अब वो क्या करें? तो अब वो क्या करें? कहां जाएंगे? आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। डोमेस्टिक है तो कहां जाएंगे? हाईकोर्ट के द्वारा डेजिग्नेटेड, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डेजिग्नेटेड। बोलो यस और नो, आर यू श्योर? अरे बोलो हाँ या ना, पक्की बात? अरे बोलो यस और नो। ओके अच्छा यहाँ पे ना जो हम इनके पास जाते हैं ना आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के पास, तो मैंने कितना 30 डेज बोला ना, आई एम सॉरी वो 60 डेज में अपॉइंट करते हैं बेटा, वहां पे लिख लेना कहीं एक लाइन लिख लेना कि आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन कितने दिन में अपॉइंट करते हैं? कि आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन shall dispose the application for appointment arbitral institution shall dispose the application for appointment arbitral institution shall dispose the application for appointment arbitral institution shall dispose the shall dispose what application for appointment application for appointment within 60 days from date of service of notice from the date of service of notice From the date of service of notice on opposite party, जब opposite party को notice दिया वहां से 60 दिन के अंदर ये appoint करके देते हैं। Great guys, चलो नया topic फिर कल से ही शुरू करूंगा, आज के लिए यही रुकते हैं। आज देखो कितनी चीज पढ़ी है, घर से पढ़ के आना है। सुनो ओए प्लीज सुनो मेरी बात ध्यान से, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर का ये पूरा टॉपिक, ये पूरा अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर का टॉपिक है जिसमें नंबर्स और ये हमने सब पढ़ा, यहां तक पढ़ के आना है आपको,
पूरा ए टू जेड चैलेंज में कल से पढ़ाऊंगा। आर्बिट्रेटर की डेफिनेशन पढ़नी है, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट पढ़ के आना है। बोलो क्या पढ़ के आना है? आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। फिर बाकी का जो स्टार्टिंग में ऊपर आया था बेसिक्स, वो तो इतना आपको पूरा पढ़ के आना है, टेक्निकलिटीज में कल जाएंगे। अच्छा सुनो मेरी बात, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखो फटाक से सॉल्व करने की कोशिश करना। कम ऑन राइट इट डाउन। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखो सॉल्व करने की कोशिश करना आज ही घर पे। लिखिए जल्दी से, कम ऑन गाइज, राइट इट डाउन। लिखिए मेरे बेटो जल्दी से बेटो, कौन बेटो? लिखिएगा कि पार्टी टू अ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, पार्टी टू आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, पार्टी टू आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, पार्टी, हां जी तनुश्री हो सकता है, पार्टी टू आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, पार्टी टू आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। ये नोट्स कहां मिलेंगे बेटा? वेबसाइट में है नोट्स, ये न्यू सिलेबस के हैं। पर पार्टी टू आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, पार्टी टू आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट अप्लाइज टू जुडिशियल अथॉरिटी, अप्लाइज टू जुडिशियल अथॉरिटी, अप्लाइज टू जुडिशियल अथॉरिटी टू रेफर फॉर आर्बिट्रेशन, टू रेफर फॉर आर्बिट्रेशन। क्वेश्चन दे रहा हूं लिख के आना एग्जाम में, हो सकता है यही क्वेश्चन आपको दिख जाए एग्जाम में सेम। अ पार्टी टू आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट अप्लाइज टू जुडिशियल अथॉरिटी टू रेफर फॉर आर्बिट्रेशन, एप्लीकेशन इज फाइल्ड बिफोर फर्स्ट स्टेटमेंट, एप्लीकेशन इज फाइल्ड बिफोर फर्स्ट स्टेटमेंट, एप्लीकेशन इज फाइल्ड बिफोर फर्स्ट स्टेटमेंट ऑन द सब्सटेंस ऑफ द डिस्प्यूट, ऑन द सब्सटेंस ऑफ द डिस्प्यूट, ऑन द सब्सटेंस ऑफ द डिस्प्यूट। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एप्लीकेंट पार्टी अप्लाइज इट, एप्लीकेंट पार्टी अप्लाइज इट, एप्लीकेंट पार्टी अप्लाइज इट, एप्लीकेंट पार्टी अप्लाइज इट विद अ कॉपी ऑफ अग्रीमेंट, एप्लीकेंट पार्टी अप्लाइज इट विद अ कॉपी ऑफ अग्रीमेंट which is neither original nor certified, 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 full stop. Can judicial authority refer the parties to arbitration? This is your question. कल लिखवा के दूंगा, ठीक है? Can judicial authority refer the parties to arbitration? This is the question. तो आपको बताना है, इसमें आंसर देना है कि वो रेफर कर सकती है बट क्या क्या, क्या क्या साथ में चाहिए? वो रेफर कर सकती है बट क्या क्या साथ में चाहिए? बोलो क्या क्या साथ में चाहिए? अगर सर्टिफाइड नहीं है कोई बात नहीं, ओरिजिनल नहीं है कोई बात नहीं, क्या क्या चाहिए साथ में बताओ? अरे बता भी दो यार, क्या क्या चाहिए साथ में? एप्लीकेशन चाहिए, एटलीस्ट फोटोकॉपी चाहिए आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट की, एक पिटीशन चाहिए, है ना? अरे बोलो हाँ या ना, एक पिटीशन चाहिए कि आप अदर पार्टी को बुलाओ, उसके पास है वो ओरिजिनल वाला, वो लेके आए, है ना? बोलो यस और नो, ठीक है? सो आपको अप्लाई करना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ, कॉपी ऑफ आर्बिट्रेशन के अग्रीमेंट के साथ,
एक पिटीशन देना पड़ेगा कोर्ट को कि भाई जिसके पास ओरिजिनल है उसको बोलो लेके आए, या उसको बोलो सर्टिफाइड लेके आए, आप अप्लाई करो, आपके एविडेंस सही लगे अलाउ करेंगे कोर्ट, ठीक है। बस इतना याद रखना, दैट्स इट, और इतना लिखने की कोशिश करना, फिर मैं लिखवा के दूंगा। अच्छा सुनो, जितना आज कराया उतना करोगे, बोलो यस और नो, डन पक्का। एक और क्वेश्चन लिख के देखना आज, व्हाट इज, व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, ये भी लिख के देखना। क्या लिख के देखोगे, व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, तो दो चीजें लिख के देखना। धन्यवाद, शुक्रिया, आज के लिए डन करते हैं। आई होप यू गाइज एंजॉयड द सेशन, एंड इफ यस जरूर कमेंट करना कैसा लगा लेक्चर, एंड आपकी जो भी क्वेरीज हो, कुछ डिमांड हो, कुछ भी हो, कमेंट करना, मैं 100% पढ़ूंगा सारे कमेंट्स। सो थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं, बाकी बातें करते हैं कल। बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, थैंक्स अ लॉट गाइज, प्लीज डू कमेंट कैसा लगा लेक्चर, लाइक जो लोग नहीं करते प्लीज करना, Yes will power motivation, ठीक है, thank you so much, bye bye, टाटा। सीलो का कब होगा, 145 को होगा, thank you so much guys, love you lot, धन्यवाद, टाटा, bye bye।